भाई, तो मैं खड़ा हूँ अभी 15 करोड़ की लग्जरी सुपरकार कलेक्शन के बीच में। पहली बार 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा हूँ भाई। आराम से आराम से आराम से आराम से पानी आराम से। मैं भीड़ लगाने नहीं आया था, ये अपने आप लग रही है। भाई रे, उड़ गई। भैया पेट्रोल डाल दो, 10 रुपए का। 15 करोड़ में से 5 करोड़ की तो यही गाड़ी है भाई, लैम्बोर्गिनी यूरस ग्रीन कलर। तुम लोग कहते हो कि भाई तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है, ड्रीम कार कौन सी है भाई, ये है भाई ड्रीम कार। और तो और भाई, यहाँ पर गाड़ियों की एक बार कलेक्शन देखो, लैम्बोर्गिनी हुरैकन, पोर्श बॉक्सर, पोर्श केमन। सबसे पहले बुलाते हैं भाई उस इंसान को जिसकी ये इतनी बड़ी कलेक्शन है, तो लेट्स कॉल मोनू भैया। वेलकम मोनू भैया। ओहो, क्या लुक है, क्या ठाट बाट है, एकदम बढ़िया। मैं बस एक चीज आपसे सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसे 15 करोड़ की गाड़ियां ली, लैम्बोर्गिनी यूरस ली, पोर्श केमन, पोर्श बॉक्सर, कभी आपको लगा था आप फुकरा इंसान की वीडियो में आओगे? ये प्राउड मोमेंट तो अब आया है हमारी जिंदगी में। मतलब यहाँ पर सारे ब्रांड्स के टॉप मॉडल्स पड़े हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी यूरस कितने की है? ये है 4 करोड़ 75 लाख। ओके, और ये इंडिया की सिर्फ एक लौती गाड़ी है? वन इन इंडिया। भैया को मैंने बोला कि अब हम यूरस राइड पे जा रहे हैं, तो भैया ने बोला सीधा ही छूटते, 200 की चलाऊं, 220 किलोमीटर के मतलब कहने का 20 से या 100 तो हम क्या 200 पे जाने वाले, नहीं जाने वाले? अगर हमें रोड खाली मिला हम 200 प्लस चलेंगे। लेट्स गो, 160 और 70 में तो हम लेट्स गो जाएंगे ही, हर हालत में, चाहे लैम्बोर्गिनी चाहे हमें जगह मिले ना मिले, लेकिन 160 पे जाएंगे ही। जय माता दी। बाजी ये बताओ, ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, मैं गाड़ी में नहीं बैठा और ये मैं किसी प्लेन में बैठा? प्लेन में ही बैठे हो, ये सारे फीचर जो हम, ये सारे 6 मोड में 3 मोड आते हैं, इसमें 6 मोड है। ये स्ट्रैडा मोड, मतलब अभी मैं ऐसे ही देखता हूँ ना मुड़ के, तो सारे लोग यही देख रहे हैं कि भाई ये गाड़ी कौन सी है, ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी। पाजी कह रहे हैं बेल्ट पहन लो, इसका जो प्रेशर है ना इंपैक्ट, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब पंजा डालते ही गाड़ी भगती है। ओ भाई उड़गी आराम से, पाजी आराम से चलानी है तो बंदा 6 करोड़ रुपया क्यों खर्चेगा? आए हाय, ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, एक नंबर भाई। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक बार पंजा दबाते हैं 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे पहुंच जाती है, और ऐसा लगता है कि किसी ने टेक ऑफ करा है। पाजी बस, पाजी स्लो बस। ओ भाई भाई लोगों का रिएक्शन इतना क्रेजी है, सबको मतलब जो भी इधर देखता है मुड़ के देखता जरूर है कि भाई गाड़ी कैसी है। पाजी एक सवाल है, ये 6 करोड़ की गाड़ी चलाते हो, थोड़ा सा डर नहीं लगता? नहीं लगता मुझे, बहुत डर लगता है। मैं बस बैठा हूँ भाजी, चलो स्लो कर देते हैं, ये स्लो कर देते हैं। ओ मेरे भाई, 100, 200, 130 तो ऐसे ही पंजा लग जाता है इसका। ओ माय गॉड, मैं सच में धक धक कर रहा है एकदम से, जब आपने 150 खींची ना और वो क्रिस स्विफ्ट वो क्रेटा सामने, मैं नहीं देख सकता, आई एम सॉरी। 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया जाए 5 करोड़ की गाड़ी में। भैया पेट्रोल डाल दो, 10 रुपए का। भैया गले तक क्यों नहीं जाएगा? 10 रुपए की भूख भी तो भूख है, भूख तो लेकिन इसका पेट में जाएगा नहीं कुछ। तो आपको क्या लगता है कितने का डलवाना चाहिए? 4-5 हजार रुपए का तेल लगवाना चाहिए। 10 रुपए में कुछ नहीं होगा इस गाड़ी में, तो कुछ नहीं होगा। भैया डाल दो 10 रुपए का, डाल दो। हाँ 10 रुपए का डाल दो। आपने कभी 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया? डाल दो, इतना तो तुम मेरे हाथ में दे देते पेट्रोल। महंगाई बहुत ज्यादा है, ये लो 500 रुपए, 490 आपके, 10 रुपए का पेट्रोल डालने के। भैया इतने शरीफ है, मैंने उनको दिए, भैया कह रहे बाकी बैलेंस, मैंने बताया कि आपके लिए है, लेकिन भैया पैसे वापस करने आए हैं। भैया वापसी करना, एंजॉय। कोर्सा चल गई, दिक्कत पता क्या है, यहाँ पर ना हैंडल भी नहीं है पकड़ने के लिए। ये सोचो तुम उरुस इतनी तेज है, तो फिर आगे हुरिकेन कितनी तेज होगी? ओके, तो नेक्स्ट बारी है लैम्बोर्गिनी हुरैकन की, और भाई साहब उरुस में बैठ के मैं ऑलरेडी डर चुका हूँ, बट अब मैं हुरैकन बैठने वाला हूँ जो उससे भी ज्यादा फास्ट है। Walking ahead.
वहां पर जासूस जा रहा है, वो पोर्श बॉक्स करके जी टेस्ट ड्राइव ले रहा है और मस्ती कर रहा है उसके साथ, वो भी देख लो वो क्या कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं रियल लाइफ GTA खेलते हैं भाई। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ यार 95 लाख की पोर्शे में, तो अभी भाई थोड़ा सा ना इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देखते हैं भाई कितनी टॉप स्पीड में जाएगा। ओ भाई साहब, सब लोग देख रहे हैं भाई, सही है भैया गाड़ी है, फीलिंग लाइक अ रॉक स्टार। यूरोस के बाद हुरैकन की बारी। वो यूरोस तो ऑलरेडी एक एयरप्लेन थी, ये क्या है? या रॉकेट, ये रॉकेट है यार भैया से तो प्यार हो गया भाई, एक नंबर है यार भाई। ये गाड़ी को तो निकालने में ही बहुत मुश्किल है भाई, चार बंदे लगे हुए हैं हमारे को हेल्प करने के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू, ओके भैया बाय। लड़कियां भी देख रही हैं भाई, देखो अब ये नहीं पता लड़कियां मेरे को देख रही हैं गाड़ी को देख रही हैं, ये कंफ्यूजन है। अभी पीछे पता क्या हुआ, हमारी टीम को वो पूछते हैं ये गाड़ी में विराट कोहली जा रहा है क्या? भैया ठीक है गाड़ी अच्छी है पर इसका ये भी बहुत तेज चला है, आराम से चलनी चाहिए गाड़ी। कैसी लगी गाड़ी? वरदान गाड़ी कैसी है? सुपर है यार। रुको भाई पानी पीते हैं, देसी पानी पीना मजा ही लगता है। पानी पीना भैया? पानी पिला, फ्री में पिलाओगे? फ्री में है? मालिक कोई बात नहीं, पैसे नहीं मेरे पास सही में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया दिल बहुत बड़ा है भाई, ये देखो इसको मैंने करा नीचे, ये गाड़ी के लिए, ये शीशा नीचे, ओहो ये गाड़ी भाई यहाँ पर सारे वीडियो बनाने लगे पाजी, अलाउड है क्या? अलाउड है, करने था तो मैं क्या दिखा? अलाउड है भाई। ये देखो भाई बस वाले भैया ने भी आके बस रोक ली और वो हमारी वीडियो बना रहे हैं यार। भैया ये बताओ ये गाड़ी खरीदने के लिए मतलब इतने पैसे कैसे कमाए जाए? नोट छापन की मशीन कहाँ मिलेगी ये बताओ? तो बोले बाबे के पास ही है। बोले सही बढ़िया है गाड़ी, मैं रोज बुलेट पे आता हूँ, आज इस पे आऊं कैसा लगा? मजे में भैया कॉलेज, मैं इसी कॉलेज का हूँ। छुट्टी मार के आया भाई, बंक मारता है बंदा। मैं पेपर छोड़ के आया हूँ भाई के लिए सिर्फ। भाई गाड़ी सही है, बढ़िया गाड़ी। तो गाइस फाइनली हम उतर चुके हैं गाड़ी से और भैया बढ़िया गाड़ी है ना, कैसी है? टनाटन। हाँ जी भैया, कितने की लगती है गाड़ी? 20-22 लाख की। 20-22 लाख की? तुझे तू क्या कहता है कितने की होगी गाड़ी? करोड़ों से भी ऊपर लगती है। ये भाई जीत गया, ये गाड़ी है 3 करोड़ की। तो गाइस फाइनली पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और यहाँ पे हम टैंक करने वाले हैं, 10-20 रुपए का पेट्रोल डलवाऊंगा और देखता हूँ कि क्या बोलेंगे भैया। कितना कम से कम कितना पेट्रोल लगेगा? 5000 का कम से कम है वो। इसमें भैया 10 रुपए डाल दो, अगले पेट्रोल पंप तक जाना है। 10 का नहीं डलेगा तो 20 का? 50 से ऊपर का डलेगा। 50 से ऊपर का डलेगा, चलो 50 का डाल दो भैया। अच्छा ये बताओ 50 रुपए में कितनी चल जाएगी? 1-2 किलोमीटर चलेगी। 1-2 किलोमीटर चल जाएगी, अगले पेट्रोल में पहुंच जाएंगे। हेलो भाई क्या हाल है? ओ गाइस फाइनली वी मेट अ सब्सक्राइबर। आपकी गाड़ी है? नहीं भाई मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने बस आज के लिए हायर करी हुई है। बहुत अच्छी लग रही है, मैं फोटो खींच सकता हूं? खींच भाई खींच के आजा अंदर बैठेगा। ओए होए 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 बढ़िया गया, राइड ले ले, एक राइड ले ले, एक झटका दे दो बस इसको, ठीक है? चलो बहुत शुक्रिया आपका, आपने राइड दी। सब्सक्राइबर को बिठा तो दिया गाड़ी में, मेरे को लग रहा है डर डूर ना जाए। एक्चुअली ये गाड़ी जो है ना रोलर कोस्टर की तरह भागती है। आराम से आराम से आराम से आराम से पाजी, आराम से पाजी, आराम से आराम से आराम से। अरे मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा। गाइस अब मैंने गाड़ी दे दी जैसे भैया को, ये चीज देखो भाई, ये अल्टीमेट चीज, ये अभी अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। ओ भाई साहब पहली बार 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा हूं भाई। ओह भाई जबरदस्त पावर है भाई इसमें तो, तभी मैं सोचूं लोग स्पोर्ट्स कार क्यों लेते हैं, फुल पैसा वसूल भाई। बड़े ध्यान से चलानी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया ना या 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ जाएंगे भाई। दिल की धड़कने रुक जाएगी, दिल की धड़कने रुक जाएगी। सही है भाई, नॉर्मल अब तो नॉर्मल लग रही है चलाने में। कैसी लगी भैया गाड़ी? भाई साहब भाई ने बिल्कुल शाहरुख खान बनवा दिया आज तो मेरे को, लोगों की भीड़ लग गई, वहां से निकलना पड़ गया हमें। हां भाई मैं भीड़ लगाने नहीं आया था, ये अपने आप लग रही है। रोज रोज नहीं दिखती भाई, 4-5 करोड़ की गाड़ी देख लिया मैंने। पुलिस भी आ गई भाई, लेकिन हमने उनको बोला है, बट हमने उनको बोला भाई फूक रहा इंसान, इनका कार को कहते कौन फूक रहा इंसान? तो भाई बच्चे आ रहे हैं, आओ एक सेकंड, कौन बैठेगा? एक जगह रुक जाओ, आ जाओ भैया, डर लग रहा है क्या? मैं तेरे को पकड़ रखा है थोड़ा सा और, दिल में धक धक हो रहा है
एक झूला और लेना है? नो नो, और झूले और झूले में झूलेगा? तो गाइस अब आ गए हैं भाई BMW के अंदर। Porsche कहीं ज्यादा लग्जरी, मतलब Porsche अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, उसका टोरा ही अलग है भाई, पर अंदर से इसका टोरा अलग है। और इसका तो भाई इंटीरियर उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क है इंटीरियर का, लग्जरी बिल्कुल लग्जरी फील हो रही है। BMW एक्चुअली लग्जरी और स्पोर्ट्स का दोनों का वेरिएंट है। अच्छा, और Porsche सिर्फ स्पोर्ट्स का। वैसे तो भाई इसमें भी सारे लोग देखते ही जा रहे हैं भाई, सनरूफ की गाड़ियों में से तो बहुत निकले हैं, अब ये निकलेंगे भाई कन्वर्टेबल से बाहर। बचपन से सपना था भाई कन्वर्टेबल में घूमने का, भाई कहते ही साहिल खान वाली फीलिंग आ रही है। बता भाई साहिल खान बन गए क्या दोनों भाई? भाई बिल्कुल बनेंगे। तो भाई दोबारा से पेट्रोल डलवाने आ चुके हैं भैया, भाई यहाँ पे पेट्रोल बिल्कुल डलवा के रखता भाई गाड़ी में। अब क्या करेगा है? तो क्या दूसरी वाली गाड़ी देखो, पहचान के भैया ये देखो, बड़ा अमीर लोंडा है, अमीर लोंडा भी है ये। मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ ये देखो कितने का डलवा, फिर से 10 रुपए का डलवाना है क्या? 10 रुपए का डल जाएगा, ये हम नहीं बताएंगे तेल कितने। आप लोग गैस करें, कमेंट करें, बताओ कितने रुपए का तेल लाए गाड़ी में, कितने का तेल खाती है जिंदगी। हो तो ऐसी हो, आगे BMW पीछे BMW, और क्या चाहिए यार लाइफ में बताओ, BMW ही BMW। भाई सुबह से बहुत ज्यादा सुपरकार हो गया, इतनी ज्यादा टॉप स्पीड देख के भाई अपनी हालत होगी खराब। अब मैं तुम्हारे को दिखाने वाला हूँ लग्जरी सेगमेंट BMW 7 सीरीज। आओ भाई, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। तो भाई जब तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो, मीटिंग से आते हो, तो भाई इसका बेस्ट फीचर मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, एक स्लीप मोड है। अब मैं स्लीप मोड ऑन करने लगा हूँ भाई, अपने आप ये देख रहे हो सीट्स कैसे पीछे जा रही है, ओ हो हो हो, और मेरी सीट ऊपर हो गई है, ये पीछे अपने आप बंद होगी। ओए होए 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 भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ, 7 सीरीज से आरामदायक गाड़ी कोई भी नहीं है भाई। बहुत लैम्बोर्गिनियों में बैठ लिया, इस गाड़ी में बैठने का अलग ही मजा है। जब तुम चाहते हो ना दुनिया तुम्हारे को ना देखे, बस ठीक है 7 सीरीज में बैठो, रिलैक्सिंग एंजॉय करो। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, एक बटन दबाया और सारे ब्लाइंड्स ओपन, सनरूफ, मूनरूफ, नीचे के पीछे के, क्रेजी है। और उसके बाद सबसे अच्छा फीचर जो मुझे इसका लगा, इस वाली सीटिंग के सीट के अलावा भाई साहब, इसमें मसाजर है एक्चुअल, ये जो पूरी टैबलेट है ये बाहर आ जाती है, और इससे मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ इस गाड़ी का। सन प्रोटेक्शंस, पहले सारे ब्लाइंड्स बंद कर देता हूँ, आगे पीछे राइट लेफ्ट सारे ब्लाइंड्स बंद। इंटीरियर लाइटिंग जो भी चेंज करनी हो तुम्हारे को, ब्लू कर दिया अभी मैंने सारी लाइट्स, इनको अगर मेरे को ग्रे करना है, ग्रीन करना है, सारी इंटीरियर लाइट्स यहीं से चेंज हो जाती है। मसाजर कोई भी ले सकते हो, हिप्स मसाजर, बैक मसाजर, नेक मसाजर। तो भाई एक गाड़ी के अंदर मसाजर है, सीटिंग पूरा स्लीपिंग एरिया है, और ड्राइवर ऑपरेटेड हो गाड़ी, जेन्युइन सबसे मजेदार गाड़ी मेरे को अब तक जेन्युइनली ये लगी भाई। ये है सारे मसाजर फीचर्स, इसमें तुम कहीं की भी मसाज ले सकते हो, अपर बॉडी एक्सरसाइज, होल बॉडी एक्सरसाइज, शोल्डर मसाज, बैक मसाज। दिस इज अ सुपर डुपर कार, मुझे बहुत प्यारी लगी। लास्ट हम जाने वाले हैं मर्सिडीज की टॉपेस्ट मॉडल पे, और देखते हैं उसमें क्या फीचर्स हैं। इन द एंड गाइस हम बैठे हैं मर्सिडीज एस क्लास में, दिस इज द लास्ट लग्जरी कार फॉर टुडे। और भाई इसकी भी अलग ही फीचर्स है, इसमें एक प्रॉपर रिमोट दिया गया जिससे मैं पूरी गाड़ी यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड इसमें पूरा मैंने मसाजर तो ऑलरेडी चला दिया। और भाई ये देखो ये फीचर इसका कितना फाड़ है, यहाँ पर फ्रिज है, फ्रिज में रखो तुम ठंडी ठंडी कोक पेप्सी, और कुछ ठंडा नहीं रखना। बाकी जासूस भाई अगर बैठेंगे गाड़ी में तो यहाँ कुछ और ही रख देंगे, तुम्हारे को पता ही है। बाकी फीचर इसके भी भाई एक नंबर है, ये पूरी सीट ऊपर उठ जाती है, ये भी पूरी भाई कैबिनेट है भाई इसका भी पूरा, ये देखो अब मैं इसमें भी पूरी सो सकता हूँ। तो इन दोनों गाड़ियों की ये बात बहुत अच्छी है कि ये स्पेशियस बहुत है, BMW भी ले लो, ये एस क्लास ले लो, पूरी एम्बिएंट लाइटिंग चेंज हो जाती है, मसाजर है। तो जब तुम सुपर कार्स लेते हो उससे मजे लेते हो, फास्ट चलाते हो, मतलब वो सोलो में ठीक है, बट जब यू आर विद फैमिली और काम से निकल रहे हो, तो मेरे हिसाब से मर्सिडीज और BMW बेस्ट कार्स है ये एस क्लास और 7 सीरीज। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड भाई फ्यूजन कार्स के पास आना मत भूलना भाई, एक से एक गाड़ी है यहाँ पर लग्जरी से लेकर सुपर कार। मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।